रस्सी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, सो सॉरी, गुड इवनिंग। देखो ब्लॉग स्टार्ट करा और ये सामने मेरा मुकुट बेटा है, वो परेशान कर रहा है। समीक्षा ने कहा मम्मा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। नहीं गंदी बात। देखो फ्रेंड, ये अप्रेन पहन रखा है। मैं अभी आई हूँ बर्तन मांझ के, किचन साफ करके, और इधर दिखाऊंगा आपको एक चीज दिखाऊं। देखो ये बैठी है हमारी मोटी मम्मी। मम्मी ये क्या लगा रखा है बालों में, हैं? मम्मी क्या लगा रखा है? मम्मी काट रही है सब्जी, मतलब जब से आई है ना मुझे काम नहीं करने दे रही है, सब्जी काट सब मुकुल। तो देखिए फ्रेंड्स कितना परेशान कर रहा है मुकुल भैया, समीक्षा को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। और आयुषी की नानी काट रही है सलजम कढ़िया, और ये मुझे पीनी है चाय, बच्चे दिख कर रहे हैं, और ये मेरी थोड़ी सी चाय रखी है। देखो 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 देखो, ऐसे लड़ाइयाँ होती हैं इन लोगों में। मैंने समीक्षा से कहा है रूम साफ करने को, और वो गया है, गई है अंदर रूम साफ करने। वो टॉवल पड़ा है समीक्षा, समीक्षा टॉवल पड़ा है, वो टॉवल उठा के रखो। देखो किसी ने भी नहीं सुनी, तुमने मेरे बात नहीं सुनी ना, गंदी बातें कर रही हो ना बड़ी मम्मा के साथ। अच्छा ऐसे बोलो, हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? कैसे हो? और कहाँ कहाँ रहते हो? इधर आओ समीक्षा, इधर आओ। अच्छा बोलो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मुकुल भैया मुझे बहुत पिटाई करता है फ्रेंड्स। प्लीज उसको मना करो, वो मुझे नहीं मारे। देखो इधर काट जा रहे मेरी नानी के बाल, अभी लूंगी। कैसे काट रही हो दिखाओ, तुम तो उलझा रही है बाबू उनके बाल। नानी कहती की चलो उसका व्लॉग बना लो, बाल काट रही पढ़ ली कैसे फेंक दी उस लड़की ने। देखो समीक्षा काटो बाल, बाल बाल। सो फ्रेंड्स, काफी टाइम से ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, और ये ब्लॉग मैंने बहुत ही मुश्किल से शूट करा था, क्योंकि बच्चों का हॉलीडे चला, घर में पड़े हैं, टीवी खराब, तो उस वजह से मोबाइल हाथ नहीं आते हैं। और मैंने वेज बिरयानी बनाई थी बहुत बढ़िया करके, जो मम्मी खा रही हैं। मम्मी ने थोड़ी सी ली थी कटोरी में रायते के साथ, और आयुषी मुकुल और समीक्षा सब ने अच्छे से खाई थी, और बच्चे बहुत परेशान करते हैं। मैंने दो बार कपड़े बदले थे, बच्चों ने बार बार पानी डाल दिया, कभी कुछ गिरा था, उस वजह से मुझे बार बार चेंज करना पड़ता है। आपको तो पता ही, समर हॉलीडे चल रहा है, तो इस समय कितनी ज़्यादा बिजी लाइफ हो जाती है एक हाउस वाइफ की। और आयुषी मुकुल मुझे बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाने देते, वीडियो नहीं बनाने देते, तो जिस वजह से कम वीडियो आ रही है, और मम्मी भी घर पर हैं, तो उन्हें भी टाइम देना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो ब्लॉग में बने रहना, और आगे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, सो उन ब्लॉग को मिस मत करना, बेल आइकन दबाना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा जब भी मैं वीडियोस या ब्लॉग डालूंगी। सो हमारी छोटी सी फैमिली की मस्ती आप देखते रहना। हो गया एक्सीडेंट, हो गया। आयुषी ने देखो कितनी प्यारी चुटिया बनाई, देखो खजूर की। हेयर वॉश करा था मेहंदी के बाद, और आयुषी ने कितनी अच्छी कोने बनाई, उधर से चीखे मार रहा है। देखो मुझे बर्तन धोने हैं, देखो मुझे चाल में बिरयानी हो गया। ये इस मतलब साइकिल को पूरे घर में घुमाता है, और धाड़ धाड़ गिरता है, और देखिए कितने स्क्रेच पड़ गए दीवार पे, बहुत ही दीवार पे मारता है इसके पहिए, पाइप बोलते हैं, पहिए बोलते हैं। उठो उठो आओ। तो है एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आपने देखा ये ब्लॉग में मम्मी आई हुई है, मतलब 3 दिन से ब्लॉग नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ मम्मी को टाइम दे रही हूँ। वीडियो तो रोज बन ही जाएंगी, क्योंकि मम्मी बहुत टाइम बाद 8 से 9 महीने बाद मेरे पास आई है रहने के लिए, एक दो दिन के लिए।
सो मैंने सोचा क्या वीडियो क्या ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो मैं टाइम इसमें लगाऊंगी वो मैं अपनी मम्मी के साथ बिताना चाहती हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है पहले पापा मम्मी साथ में आते थे, अब मम्मी अकेली आई हैं और बहुत अजीब सा लग रहा था यार। बस यही है कि जब तक मम्मी रहेंगी कोई वीडियोस नहीं आएगी, कोई ब्लॉग नहीं आएगा। हाँ मैं शूट करूंगी बट एडिटिंग में मम्मी के जाने के बाद करूंगी, सो सारी वीडियोस भी मम्मी के जाने के बाद आएंगी। सो ब्लॉग में बने रहना थोड़ी बहुत, मतलब जितना शूट हो पाएगा मैं करूंगी ब्लॉग के लिए। सो बस मम्मी के साथ टाइम बिताना चाहती हूँ मैं, इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ, कोई ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। और आयुष मुकुल की छुट्टियाँ चल रही हैं, जो मतलब मम्मी का तो है ही एक, ठीक है मम्मी का तो है ही, कैमरा हिलाया उनके, मम्मी का तो है ही। सो मम्मी का तो है ही कि हाँ चलो मम्मी है, मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना है। लेकिन आयुषी मुकुल बहुत दिक्कत हैं, पूरे दिन मुझे चैन नहीं लगने देते, पूरे दिन किचन घर रूम सब फैला के रखते हैं, जिस वजह से मुझे बिल्कुल भी वीडियो बनाने का ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल रहा। मतलब एक फ्री माइंड होता है ना कि हाँ हम ये ब्लॉग शूट करते हैं या वो, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही। काम में उलझी हुई हूँ मैं, और टाइम से मैं काम में उलझी हुई हूँ। और बस जैसे माइंड फ्रेश होता है या माइंड मेरा डाइवर्ट होता है फिर मैं ब्लॉग बनाऊंगी, वीडियोस बनाऊंगी अच्छी अच्छी। सो अभी तो मैं टाइम मम्मी के साथ बिताना चाहती हूँ, और इस बीच में कोई वीडियो नहीं डाल सकती हूँ ना ही मैं डालूंगी, क्योंकि ये टाइम सिर्फ और सिर्फ मम्मी के लिए है, 3 से 4 दिन जब भी वो रहेंगी, जब तक रहेंगी। सो आने वाले टाइम में ब्लॉग बहुत अच्छे आएंगे, और जैसे मुझे टाइम लगेगा ब्लॉग शूट कर लूंगी, एडिटिंग बाद में करूंगी। और बस यही है, थोड़ा गैप भी होना चाहिए यार, काम करते करते सिर में दर्द हो जाता है यूट्यूब का भी, और थोड़ा माइंड को भी डाइवर्ट करना चाहिए, यानी कि रोज की एक ही जिंदगी की हाँ हमें वीडियोज बनानी है या कुछ है। लेकिन फिलहाल तो अभी 3 से 4 दिन के बीच के अंदर मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी, और आयुषी मुकुल गए अपनी दादी के घर मम्मी को लेके, क्योंकि वो बोर हो रही थी तो दादी के पास बैठने गई हैं वो। और अब मैं जा रही हूँ कटहल की सब्जी बनाने, दोपहर बनाई थी मैंने वेज बिरयानी, सो वो भी नहीं खाई मम्मी ने, जरा सी खाई मैंने उनकी वजह से, इतनी अच्छी करके इतनी टेस्टी बनाई थी, और मम्मी ने खाई भी, थोड़े से रायते के साथ थोड़ी सी बिरयानी खाई। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि आज है ट्यूजडे, आज ट्यूजडे है, सो मैं जा रही हूँ हनुमान चालीसा पढ़ने। सो ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग को लास्ट तक देखना, ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और शॉर्ट शॉर्ट वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, ठीक है फ्रेंड्स।